हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मैकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, चैप्टर नंबर 8, वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की रीडिंग लगा दी थी, समझा दिया गया था। आज देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट वेदर द अंडरलाइंड वर्ब्स आर ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। आपको देखिए इनमें से जो वर्ब हैं ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव, वो आपको उसके सामने लिखनी है और उसे और जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स, जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं, ठीक है, और उन्हें आपको ये बताना है कि वो ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव वर्ब है, ठीक है? ये मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, अब इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द सन रोज अप इन द स्काई। तो रोज क्या हो गई? ट्रांसटिव वर्ब। आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड्स इन अमेरिका। तो ये रोट क्या हो गया? ट्रांसटिव वर्ब। थर्ड है, सी अंडरस्टूड द क्वेश्चन द टीचर्स आस्क्ड। तो अंडरस्टूड क्या हो गया? ट्रांसटिव वर्ब। फोर्थ है, यस आई डोंट लाइक पीपल हु टेल्स लाई। तो लाइक क्या हो गया? ट्रांसटिव वर्ब। फाइव है, द स्पीकर, देखिए फाइव देखेंगे, द शॉपकीपर सोल्ड सम स्वीट्स टू द बॉय। तो देखिए सोल्ड क्या हो गया? ट्रांसटिव वर्ब। सिक्स है, आई टुक ए टैक्सी टू माई अंकल्स हाउस। तो टू क्या हो गया? इंट्रांसटिव वर्ब। सेवन है, माई बॉक्स कंटेंस टॉयज एंड बुक्स। तो कंटेंस क्या हो गया? इंट्रांसटिव वर्ब। नंबर 8 है, द गर्ल हेल्ड हर पर्स टाइटली। तो हेल्ड क्या हो गया? इंट्रांसटिव वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ए मैंने आपको करा दिया है, इसे अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करें और अंडरस्टैंड करें, ओके? और डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल का आइकन प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो, ओके? गुड बाय, टेक केयर।